काय करता तुम्ही हे? आम्ही हे ढोले करतोय. काड पाण्यात आत घाल. नो यूज हाफ ऑफ द लेमन और आधे का शकरकंदी शकरकंद कर लो. हम जा रहे हैं अभी शादी का वेन्यू देखने. So we're gonna set up the mandap. इस रस्म को मुहूर्त कहा जाता है. आपके शुभ कार्य में या शादी में या आपकी सारी रस्म और रिवाजों में कोई भी बाधा ना आए, सारी रस्में अच्छे से पूरी हो, इसीलिए ये पूजा की जाती है. ये पूजा जो भी दुल्हन है, जो नई ब्राइड है, वो करती है, उसकी माँ करती है और आस पड़ोस की सारी औरतें इकट्ठा होके ये सारी पूजा करती है. तो गणेश जी की मूर्ति के बजाय हम सुपारी रख के उनको गणेश जी मान के उस सुपारी की स्थापना करते हैं, उसकी पूजा करते हैं और फिर शादी के लिए जो सारी रस्में हैं, शॉपिंग है, तैयारियाँ हैं, डेकोरेशंस हैं, ये सारी चीज़ें उस पूजा मुहूर्त के बाद शुरू कर सकते हैं. आता इथून सुरुवातच कायमच. आता ऐकायचंच इथून पुढे. काय करता तुम्ही हे? आम्ही हे ढोले करतोय. माझ्या लग्नात याची खीर करून खातात ना कोण? मी. ठीक आहे, ये नक्की. तीन चमचे मीठ पाण्यात घालायचं. जिरा राईस साठी आणि मी हे लिंबू कट करते, कारण हे लिंबू पाण्यात पिळायचं म्हणजे जिरा राईस करताना भात चिकटत नाही. असं तो असं सुट्ट सुट्ट छान एक एक दाणा असं ते टक्का करायचं. हसू नको, आम सीनियर शेफ. ओके. आणि असा हात खाली धरायचा म्हणजे त्याच्या बिया पाण्यात पडत नाहीत आणि मग जिरा राईस खाताना ते बिया तोंडात येऊन कडू लागत नाही. ओ नाइस टिप. यू आर वेलकम. एक पी पडले काढ पाण्यात आत घाल. नो घाल घाल पाण्यात आत घाल. का कुबल होय माझी. असं चुकू नाही करायचं नसत. एक अर्धच ना जास्त झालं की आंबट होईल. यू डोंट वॉन्ट टू डू लेमन राईस सो जस्ट यूज हाफ ऑफ द लेमन और आधे का शकरकंदी शकरकंद कर लो. शिखंजी शिखंजी नींबू पानी कर लो. शिकंजी शिकंजी कर लो. हाळू लागेल. आव कॉम प्लान गर्ल. हे नियन्स करून कोण स्वयंपाक करतं यार? असं तर बघायला नको करू. सर पुढच्या वेळेस पैसे वाचतील. क्यों पैसा पैसा करती है तू पैसे? मैं बारिश कर दू पैसे की. आए तो तेन का.
आज सिद्धार्थ और उसकी फैमिली यानी कि मम्मी पापा और गौरी घर आ रहे हैं। एक्चुअली गौरी वापस लंदन जा रही है कुछ दिनों के लिए और फिर वो शादी के पहले कुछ दिन पहले वापस आएगी। तो उसके जाने से पहले हमने गेट टुगेदर प्लान किया है जहाँ पे हम सब इकट्ठा होके खाना खा रहे हैं और सिद्धार्थ की रिक्वेस्ट थी कि मैं उसके लिए कुछ बनाऊं। तो एक्चुअली रिक्वेस्ट से पहले ही मैं सरप्राइज करने वाली थी सिद्धार्थ को कि मैंने उसके लिए खाना बनाया है, तो ये वही मैं खाना उसके लिए बना रही हूँ। सिद्धार्थ को नॉनवेज बहुत पसंद है तो मैं उसके लिए नॉनवेज बना रही हूँ। थोड़ा खूब नहीं तो ए, 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 नहीं कर रहे थे पर ते कड़क जल है। हम जा रहे हैं अभी शादी का वेन्यू देखने जो है ऑक्सफोर्ड गोल्फ कोर्स रिजॉर्ट। थोड़ा टंग ट्विस्टेड है बट नॉट वेरी फार फ्रॉम आर हाउस। इट इज इन ब्यूटिफुल एंड अमेजिंग लोकेशन आपको अभी देखने को मिलेगा। बट राइट नाउ इज लाइक टू सनी आउट देयर और पता नहीं कि कितना अच्छे से वीडियो और फील आपको समझ में आएगा वीडियो में, बट सून यू विल गेट टू नो। तो देखते हैं कि डेकोरेशन प्रिपरेशन कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, एंट्री कहाँ से करेंगे, केटरिंग का सेटअप कहाँ पे लगाएंगे, ऑल द डिटेल्स वी गोना डिस्कस विद द डेकोरेटर। यहाँ पे हम वेन्यू देखने गए थे, अलग अलग डेकोरेटर्स को लेके हम वेन्यू पे गए थे कि ताकि उनको आइडिया आ सके कि कितना बड़ा वेन्यू है, कितना बड़ा स्टेज बनाना है, कहाँ कहाँ डेकोरेशन करनी है, क्या लॉज एंड रेगुलेशंस है उस एरिया के। फिर हमने उनमें से एक डेकोरेटर फाइनल किया था। तो ये तभी का वीडियो है जब हम एक डेकोरेटर के साथ गए थे। सो हियर वी गोना सेट अप द मंडप सो दैट द सनडाउन और सनसेट विल गेट this is the whole ground. There will be the porch area, the entry part. There will be the dining area. And it's gonna be so beautiful. ये मेरी डिजाइनर है जोआन, उसका नाम है और उसका बुटीक है पिंपरे सौदागर में। शी इज अ फैब डिजाइनर। सो आई गॉट माय संगीत आउटफिट टोटली और मेहंदी आउटफिट टोटली डिजाइन्ड फ्रॉम हर। हमने बैठ के डिस्कस किया कि कौन सा कलर कॉम्बिनेशन अच्छा लगेगा, कौन सा मटेरियल अच्छा लगेगा, कितना मटेरियल लेना पड़ेगा, कैसे हम उसके ऊपर हैंडवर्क कर सकते हैं, कौन सा हैंडवर्क अच्छा लगेगा। सो ऑल द प्रोसेस इज इन द डिटेल आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा। शी टुक ऑल माय मेजरमेंट्स। हमने पैटर्न ऑफ आवर ड्रेसेस डिजाइन किया कि कौन सा पैटर्न अच्छा लगेगा। सो एवरी बॉडी टाइप हैज अ पैटर्न। सो उसके हिसाब से हमने हमारी तीनों आउटफिट्स को डिजाइन किया। ये हमारे बिल्डिंग के टेरेस पर बिल्डिंग के सारी औरतों ने मिलकर मेरे लिए केरवन रखा था। सो केरवन एक और एक रस्म होती है जो शादी से पहले की जाती है। जब आपके रिलेटिव्स या आपके चाहने वाले या आपके क्लोज रिश्तेदार आपको अपने घर बुलाते हैं और आपके लिए खाना बनाते हैं और आपको बहुत अच्छे अच्छे तोहफे और गिफ्ट देते हैं। सो या दिस इज वन ऑफ माई बेस्ट रस्म क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत सारे गिफ्ट मिलते हैं। तो मुझे भी गिफ्ट मिले और बहुत अच्छा अच्छा खाना खाने को मिलता है। एक्चुअली बेसिकली द रीजन इज कि आपको वेट पुट ऑन बहुत ज्यादा हो जाता है शादी से पहले ही, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको अपने घर बुलाते हैं खाना खाने के लिए। तो हम मतलब लिटरली आई वाज डूइंग कि सुबह का ब्रंच फ्रेंड्स के साथ, दोपहर का लंच किसी रिश्तेदार के यहाँ, डिनर किसी रिश्तेदार के यहाँ। तो हमने अपने डेट्स दे दिए थे ऑलरेडी कि हाँ हम 29 तक बिजी है, आप 30th को कर लो, आप 1 तारीख को कर लो, ऐसे डेट्स हमने लोगों को दे रखे थे। इट वॉज अ लॉट ऑफ फन। एक्चुअली ये रस्म बहुत पुरानी है, जब लोग इकट्ठा होते थे यही एक रीजन होता था कि आप लोगों के घर जाके मिलना जुलना होता था, जान पहचान बढ़ती थी। तो या दिस रस्म इज कंटिन्यूड फॉर द नेक्स्ट जनरेशन एंड या इट्स अ ब्यूटिफुल फीलिंग। यहाँ पे मेरी माँ और माई मदर इन लॉ
दे आर रीडिंग द पत्रिका. सो बेसिकली गुरुजी आए थे और गुरुजी ने पत्रिका लिखी. एक्चुअली पत्रिका लिखी जाती है और उसकी पूजा की जाती है और फिर वो पहली पत्रिका जो होती है लिखी हुई, विधिवत लिखी हुई, जहाँ पे आप साल कौन सा दिन, एवरीथिंग इज रिटन ऑन द पेपर बाय द गुरुजी. और फिर वो पत्रिका मंदिर में रखी जाती है, वो पहली पत्रिका होती है. फिर आप जो बात छापते हो पत्रिका प्रॉपरली मॉडर्नाइज तरीके से, या जिस भी आप तरीके से छापते हो पत्रिका, वो पत्रिका बाद में आप देवी देवताओं के सामने जाके मंदिर में रख के फिर आप बाकी लोगों को इनवाइट करते हो वही पत्रिका देके. फाइनली फाइनली हमारा रिश्ता पक्का हुआ और पत्रिका गुरुजी ने लिखी. तो या दैट वाज अगेन अ ह्यूज मोमेंट फॉर अस. थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग माय व्लॉग. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग. टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड कीप वाचिंग.